यूपीआई के आने के बाद देखा जाए तो एक बात जो है लगभग सभी में कॉमन है, कैश का नहीं होना। अभी के समय में देखिएगा कि मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं यूपीआई के थ्रू जो है मार्केट में पेमेंट करते हैं, और मैक्सिमम लोगों के पास से जो है देखा जाए तो धीरे धीरे कैश खत्म होते जा रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन है मोबाइल, यानी मोबाइल से हम लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे काफ़ी सारे ऐप हैं जिनके थ्रू जो है यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, और इसी कारण से जो है हमारे पास कैश नहीं रहता। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि कैश नहीं रहने के कारण जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है अब हमारे पास आ चुका है यूपीआई एटीएम। तो आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि यूपीआई एटीएम क्या होता है और साथ ही साथ ये कैसे काम करेगा और ये हमारे लिए कैसे कारगर होने वाला है। तो यूपीआई एटीएम, एटीएम के तो मतलब आप जानते हैं कि एटीएम से जो है हम लोग कैश निकालने का काम करते हैं, लेकिन अब तक जो एटीएम से हम लोग कैश निकालते थे उस समय हमारे पास कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड का होना जो है जरूरी था। तो कभी कभी क्या होता था कि गलती से हम डेबिट कार्ड छोड़ दिए, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम लोग कैश नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अब जो है ऐसा सुविधा मिल रहा है कि आप बिना डेबिट कार्ड के जो है सिर्फ अपने मोबाइल को रखें तो उससे जो आप कहीं ना कहीं कैश को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या-क्या प्रोसेस है पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और लास्ट में आप बताइएगा कि यह सिस्टम जो है आपके लिए कैसा लगा, आपको सही लगा या बुरा लगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे सबसे पहले आप यूपीआई एटीएम में जाएंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में नॉर्मल एटीएम को भी जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो हमारे देश के कुछ जगहों पे जो है यूपीआई एटीएम को लॉन्च कर दिया गया, और धीरे धीरे ये चीज जो है आम बात बन जाएगी, पूरे देशवासी जो है इसका यूज कर सकेंगे। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले यूपीआई एटीएम में जाना है और वहां पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शन आपको दिखा रहा है यूपीआई कैश विड्रॉल एट द एटीएम, पहले जो है इस ऑप्शन को आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है पहला काम ये हो जाता है। इसके बाद आपको करना है कि एटीएम विल प्रमोट द कस्टमर टू इंटर द विड्रॉल अमाउंट, आपको अमाउंट बताया जाएगा कि आप बताइए आपको 100 रुपया चाहिए कि 500 रुपया चाहिए कि 1000 रुपया चाहिए, आपको जो भी रुपया चाहिए उस अमाउंट को जो है कहीं ना कहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है क्या करेगा कि जो यूपीआई एटीएम होगा वहां पे जो है एक क्यूआर कोड को जो है डिस्प्ले करेगा, यानी जो यूपीआई एटीएम होगा ना उसके डिस्प्ले पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इसमें जितना अमाउंट सेट किए हैं ऑटोमेटिक उतना अमाउंट का डिस्प्ले करेगा आपके मतलब यूपीआई ऐप में, वहां से जो आपको अपना पासवर्ड डाल करके अपने मोबाइल के थ्रू जो है कहीं ना कहीं उस पेमेंट को अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद जो आपका जो मशीन होगा इस प्रोसेस को करेगा, यानी जो यूपीआई एटीएम है, और करने के बाद जो है आपके अमाउंट को कहीं ना कहीं डिस्पेंस कर देगा, यानी कि आपको अमाउंट उतना प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीका से जो है कहीं ना कहीं हम लोग यूपीआई एटीएम के थ्रू जो है पेमेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें घाटा क्या है तो देखा जाए तो कभी कभी यूपीआई काम नहीं करता, सर्वर के ना होने के कारण कभी कभी यूपीआई काम नहीं करता, तो उस केस में जो है कहीं ना कहीं हमें जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। बाकी देखा जाए तो ये फीचर जो है हमें तो काफी अच्छा लगा, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये फीचर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।